आचार्य जी, कई लोगों की जिंदगियों में दिक्कत होगी, वो व्रत रख रही होंगी, इस बार जो है वो उनको ज्यादा लाभ कैसे मिल सकता है, उसके लिए कोई अच्छी विधि हो जो आप बता सके कि इस बार जो पूजन करें वो लोग कुछ खास तरीके से पूजन कर सकते हैं, अगर आप बताएं तो। निहारिका जी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे सुलभ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चीजें नहीं लगती। भगवान श्री कृष्ण का महामंत्र का जप और उपवास व्रत का विशेष महत्ता है, रात्रि जागरण का विशेष महत्ता है। भगवान श्री कृष्ण को कनेर का पुष्प चढ़ाएं, कनेर का पुष्प भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को बहुत ज्यादा प्रिय है। इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप उनके नाम का स्मरण करें। कल युग केवल नाम अधारा, सुमिरी सुमिरी उतरही पारा। भगवान श्री कृष्ण हो या भगवान श्री राम हो, इन दोनों का नाम का भजन की महत्ता कलयुग में बताई गई है। जो जितना ज्यादा नाम का सुमिरन करेगा, नाम से नाम साक्षात भगवान से बड़ा उनका नाम है। नाम की ही कीर्ति और बखान और गुणगान होता है और नाम में अथाह शक्ति है। इसलिए जो इस कलयुग में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का नाम का जप करेगा वह भव सागर को पार कर जाएगा। जी आचार्य जी, फिलहाल अपने घरों में जो लोग पूजा कर रहे, कई लोग मंदिर जाएंगे आज रात को, जो लोग अपने घरों में पूजा कर रहे वो विशेष तौर पर आज क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरीके से अपने मंदिरों को सजाए, क्या कुछ जो है वो कृष्ण जी को पसंद है वो एक बार आप जरूर बताएं। देखिए, अपने घर में सबसे पहले गंगा जल का छिड़काव करें, घर में साफ सफाई के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान श्री कृष्ण का आसन जो है आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप, जो लड्डू गोपाल का जो स्वरूप है, उस लड्डू गोपाल के स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के लड्डू गोपाल स्वरूप का विशेष रूप से आप स्नान करें, हल्दी से स्नान कराएं भगवान श्री कृष्ण को, जल से स्नान करें, दूध से स्नान कराएं, दही से स्नान कराएं, घृत से स्नान कराएं और इसके साथ ही साथ शहद से स्नान करें और पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद उन्हें नए वस्त्र को धारण कराएं, तिलक दें और इसके बाद पुष्प को चढ़ाएं। पुष्प को चढ़ाने के बाद विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनके महामंत्रों का जप करें और साथ ही साथ इस समय पर सिरसुक्तम और पुरुषोक्तम इन दोनों को श्रवण करें तो निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी। सिर सुक्तम में जैसे ओम हिरण्यवर्णम हिरण्यम श्वेतरस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यम लक्ष्मी जात वेदो आवह तामह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनीम यश्याम हिरण्यम विन्देहम गाम श्वः पुरुषानहम अश्पूर्वामृत मध्याम हस्तिनाद प्रबोधरीम श्रेयम देवी मुपवे श्रीमाम देवी जुस्ताम काम सो अस्मिताम हिरण प्रकरम अद्राम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मेशताम पदवर्णाम तामिहोपवे श्रेयम चंद्राम प्रभाष्यम श्याम ज्वलंती श्रियम लोके देव जुष्टाम दाराम ताम पद्मनिम शरण प्रपद्धे अलक्ष्म शताम ताम विणोमि आदित्य वर्ण तुक्षुधि आतो बृहस्पति शत बक्षत बिलवा तश फलाने तुम चनोदन तुम अंतरश वाय लक्ष्मी उपाय तुम माम देव सका कृत मणि नाम स्व पाद हो तो राष्ट्र अस्मी कृति मधुम दात में छुति पवा श्याम लाम ज्येष्ठाम अलक्ष्मी ना श्याम हम आभूतिम असमृधिम सर्वनुन मेघरात गंध द्वारा दुरादर्शा नित पुष्टाम करी शनिम ईश्वरीम सर्वभूतानां तामि हो पवित्रम मनसा कामा कोति वाच सत्यम सीमहे पशुनाम रुक्मिणस्य वैशिष्यताम स कर्दमना प्रजाभूता मयि संभव कर्दम श्रम वास मे कुलिप मातरम पद्मालिम आपः सृजतजान चिकलित वश मे गृह निच देवी मातरम श्रम वास मे कुले आद्राम पुष्करिम पुष्टिम विकलाम पद्मालिम चंद्राम भिरणम लक्ष्मी जात वेदो मा आवह तामह जात वेदो लक्ष्मी नपागामिनीम यश्याम हिरण्यम विद्यम गमस पुरुषानाम यह सूचि परत भूत्वा जुहु यादा जन्म हम सुक्तम पंचदशर्चम च श्री कामम सत्यम जपेत। इस महामंत्र के साथ साथ ओम भगवते वासुदेवाय नमः, इस महामंत्र के साथ साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्राप्ति होगी, भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति होगी, महालक्ष्मी देवी आपके घर पर कृपा करेंगी और इस कल युग में जिसके घर पर महालक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति है, धन धान से परिपूर्ण है, उसके जीवन में सदा सुख ही सुख है,